प्राचीन मान्यता है कि शनि देव की कृपा प्राप्त करने के लिए हर शनिवार को शनि देव को तेल चढ़ाना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करते हैं उन्हें साढ़े साती और ढैया में भी शनि की कृपा प्राप्त होती है। लेकिन शनि देव को तेल क्यों चढ़ाते हैं, इसको लेकर हमारे ग्रंथों में अनेक कथाएं हैं। इनमें से सर्वाधिक प्रचलित कथा का संबंध रामायण काल और हनुमान जी से है। क्यों चढ़ाते हैं शनि देव को तेल? कथा इस प्रकार है। शास्त्रों के अनुसार रामायण काल में एक समय शनि को अपने बल और पराक्रम पर घमंड हो गया था। उस काल में हनुमान जी के बल और पराक्रम की कीर्ति चारों दिशाओं में फैली हुई थी। जब शनि को हनुमान जी के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई तो शनि बजरंग बली से युद्ध करने के लिए निकल पड़े। एक शांत स्थान पर हनुमान जी अपने स्वामी श्री राम की भक्ति में लीन बैठे थे, तभी वहां शनिदेव आ गए और उन्होंने बजरंग बली को युद्ध के लिए ललकारा। युद्ध की ललकार सुनकर हनुमान जी शनिदेव को समझाने का प्रयास किया, लेकिन शनि नहीं माने और युद्ध के लिए आमंत्रित करने लगे। अंत में हनुमान जी भी युद्ध के लिए तैयार हो गए। दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ। हनुमान जी ने शनि को बुरी तरह परास्त कर दिया। युद्ध में हनुमान जी द्वारा किए गए प्रहारों से शनिदेव के पूरे शरीर में भयंकर पीड़ा हो रही थी। इस पीड़ा को दूर करने के लिए हनुमान जी ने शनि को तेल दिया। इस तेल को लगाते ही शनिदेव की समस्त पीड़ा दूर हो गई। तभी से शनिदेव को तेल अर्पित करने की परंपरा प्रारंभ हुई। शनिदेव पर जो भी व्यक्ति तेल अर्पित करता है उसके जीवन की समस्त परेशानियां दूर हो जाती हैं और धन अभाव खत्म हो जाता है। जबकि एक अन्य कथा के अनुसार जब भगवान की सेना ने सागर सेतु बांध लिया तब राक्षस इसे हानि न पहुंचा सके उसके लिए पवन सुत हनुमान को उसकी देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी गई। जब हनुमान जी शाम के समय अपने इष्ट देव राम के ध्यान में मग्न थे तभी सूर्य पुत्र शनि ने अपना काला कुरूप चेहरा बनाकर क्रोधपूर्ण कहा, हे वानर, मैं देवताओं में शक्तिशाली शनि हूँ। सुना है तुम बहुत बलशाली हो, आंखें खोलो और मेरे साथ युद्ध करो, मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूँ। इस पर हनुमान ने विनम्रता पूर्वक कहा, इस समय मैं अपने प्रभु को याद कर रहा हूँ, आप मेरी पूजा में विघ्न मत डालिए, आप मेरे आदरणीय है, कृपा करके आप यहाँ से चले जाइए। जब शनि देव लड़ने पर उतर आए तो हनुमान जी ने अपनी पूंछ में लपेटना शुरू कर दिया, फिर उन्हें कसना प्रारंभ कर दिया। जोर लगाने पर भी शनि उस बंधन से मुक्त न होकर पीड़ा से व्याकुल होने लगे। हनुमान ने फिर सेतु की परिक्रमा कर शनि के घमंड को तोड़ने के लिए पत्थरों पर पूंछ को झटका दे देकर पटकना शुरू कर दिया। इससे शनि का शरीर लहूलुहान हो गया जिससे उनकी पीड़ा बढ़ती गई। तब शनि देव ने हनुमान जी से प्रार्थना की, मुझे बंधन मुक्त कर दीजिए, मैं अपने अपराध की सजा पा चुका हूँ, फिर मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी। तब हनुमान जी ने जो तेल दिया उसे घाव पर लगाते ही शनि देव की पीड़ा मिट गई। उसी दिन से शनि देव को तेल चढ़ाया जाता है जिससे उनकी पीड़ा शांत हो जाती है और वे प्रसन्न हो जाते हैं। हनुमान जी की कृपा से शनि की पीड़ा शांत हुई थी, इसी वजह से आज भी शनि हनुमान जी के भक्तों पर विशेष कृपा बनाए रखते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की कहानी पसंद आई होंगी। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और संपूर्ण ज्ञान भंडार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।